రైట్ యుష్మతి, థ్యాంక్ యూ. ఇక ఆలోచించినప్పుడే ఆవిష్కరణలు సాధ్యమవుతాయని ఆర్ఎస్ఎస్ చీఫ్ మోహన్ భగవత్ అన్నారు. ప్రపంచంలోని ఇతర జీవులకు మనుషులకు ఉన్న తేడా ఆలోచించడం ప్రశ్నించడమేనని చెప్పారు. అలాని దిశలేని ఆలోచనలు వ్యర్థమేనన్నారు. బండ్లగూడలో సరస్వతి విద్యాపీఠం పూర్వ విద్యార్థుల సమ్మేళనంలో భగవత్ మాట్లాడారు. संबंधों का भान उसकी अपनी विशेष बुद्धि के कारण होता है. प्राणी को तो वो बुद्धि नहीं देती, वो विचार नहीं करता. कॉग्निटिव एबिलिटी ऐसा अंग्रेजी में कहते, उसके पास नहीं है, इसलिए वो विचार नहीं करता. अपनी भावनाओं का एक विश्व नहीं बनाता, वो केवल भौतिक आवश्यकताओं को समझता है. जब तक वो पूरी होती है वो सुख में है, नहीं हुई तो चोरी करेगा, मारपीट करेगा, लेकिन आवश्यकताओं की पूर्ति जरूर करेगा. जिस दिन मरना है उस दिन मर जाएगा, उसको पता भी नहीं कि वो जन्मा है और क्यों मर रहा है. मनुष्य का ऐसा नहीं है, वो विचार करता है. विचार करता है तो दोनों परिणाम हो सकते हैं. विचार पूर्वक मनुष्य एक अच्छा जीवन अपना बना सकता है, और विचार पूर्वक मनुष्य जो नहीं करना चाहिए वो भी कर सकता है. विचार करना, केवल विचार करने मात्र से आदमी अच्छा नहीं बनता, विचार की दिशा होनी पड़ती. नहीं तो एक ऐसा किस्सा बताते हैं. एक छोटा सा गांव था, वहां एक किसान था, अच्छा खाता पीता था, उसके पास पैसा भी था.